Hey guys, welcome back to our channel SAFAL FUTURE. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिगर मूवमेंट के बारे में, एज टू हाउ इट इज डन, ट्रिगर मूवमेंट क्यों चाहिए होता है। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर अ वीडियो ऑन दिस। लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगर मूवमेंट आफ्टर द इंट्रो। I'll show it to you as to how trigger movement is done and how you can, you know, possibly bring it in your stance. आप अपने stance में कैसे इसको लाके use कर सकते हैं। So yeah, I'll pad up and show it to you as to how it is done. So trigger movement is that, you know, initial movement जो कि आप use करते हैं अपना momentum gain करने के लिए, आप rhythm में आने के लिए। तो शुरुआत में आपने कोई बैट्समैन को देखा होगा, बहुत सारे बैट्समैन को, कि जब बैटिंग करते हैं वो थोड़ा सा मूव करते हैं, उसके बाद वो स्टैंस में आते हैं, बैटिंग स्टैंस में आते हैं, तो उसके बाद खेल पाते हैं वो। उनको अगर आप बोल दीजिएगा कि बस खड़े खड़े बैटिंग करो, दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल प्लेइंग द बॉल व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रिगर मूवमेंट। तो ये ट्रिगर मूवमेंट उनको हेल्प करता है रिदम में आने को। तो ट्रिगर मूवमेंट का बेसिकली बहुत सारा, यू नो, एडवांटेजेस है, एट द सेम टाइम देर आर लॉट ऑफ कॉन्स, लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट। एडवांटेजेस में आपको क्या होता है कि जब आप ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं ना, तो यू गेट इन टू दैट रिदम, यू गेट इन टू दैट मोमेंटम ऑफ प्लेइंग द बॉल। सो क्योंकि बॉल थोड़ा स्पीड आता है, बॉल थोड़ा तेज़ निकल के आता है, और आप जब हम स्टेशनरी पोजीशन में खेलते रहते हैं और स्टेशनरी पोजीशन से अपने आप आपको, यू नो, आपको मूवमेंट करना रहता है, तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जब आप ट्रिगर मूवमेंट करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, ट्रिगर मूवमेंट, यू आर, यू नो, रेडी टू प्ले द बॉल, यू आर रेडी टू हिट द शॉट, यू आर रेडी टू ड्राइव द बॉल, और वट एवर, यू नो, द सिचुएशन इज। तो ट्रिगर मूवमेंट आपको वो हेल्प करता है वो रिदम जनरेट करने में, वो इनिशियल मोमेंटम जनरेट करने में, ताकि आप, यू नो, यू गो विद द राइट अप्रोच टुवर्ड्स द बॉल। सो आई शो टू यू एज टू हाउ इट इज डन एंड हाउ इट शुड बी अप्रोच्ड। तो जो नॉर्मल स्टैंड लेते हैं आप, वही स्टैंड लेना होता है ट्रिगर मूवमेंट में भी। इट इज़ नॉट समथिंग वियर्ड स्टैंड, इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आपको स्टैंड बदलना होता है। देर इज नथिंग, देर इज नो चेंज दैट यू हैव टू ब्रिंग इन। आपको नॉर्मल स्टैंड से खड़े हो जाना होता है। Now, when you're making an initial movement, you have to be free as to how your body moves, how your body reacts to the ball. Sometimes, you know, trigger movement आपके, you know, batting style पे भी depend करता है। तो अगर मान लीजिए विराट कोहली ऐसे मूव करता है, you don't necessarily have to, you know, do the same trigger movement. It all depends as to how your body adapts to the ball. तो जब आप batting कर रहे हैं और देखें कि आपका बॉडी जो इनिशियल मूवमेंट, आपका जो नेचुरल बॉडी मूवमेंट होता है, वो बैक फुट पहला नहीं, अगर फ्रंट फुट पहला लेता है उसके बाद बैक फुट जाता है, दैट शुड बी योर ट्रिगर मूवमेंट, दैट वुड बी योर ट्रिगर मूवमेंट जहाँ पे आपका बॉडी कंफर्टेबल रहेगा खेलने के लिए। तो यू हैव टू फाइंड आउट एज टू व्हाट योर बॉडी इज़ कंफर्टेबल विथ और व्हाट इज़ योर ट्रिगर मूवमेंट। जहाँ पे आप बैटिंग करते समय कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वही आपका, यू नो, ट्रिगर मूवमेंट बनेगा। तो डोंट जस्ट कॉपी सम इंटरनेशनल क्रिकेटर, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन ट्रिगर मूवमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है कि बस आप बैटिंग स्टैंड करने के लिए रेडी हो जाए और लेट योर बॉडी मूव फ्रीली एज टू हाउ इट इज़ मूविंग टू गेट इन टू अ कम्फर्टेबल पोजिशन। जब आपका बॉडी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है, ट्रिगर मूवमेंट अपने आप होने लगता है, तो यू विल नॉट हैव टू, यू नो, मेक चेंजेस इन योर बॉडी बैटिंग। तो जस्ट, यू नो, डू द ट्रायल एंड एरर मेथड, जहाँ पे आप, यू नो, ट्राई एंड मूव योर बैक फुट फर्स्ट, ट्राई एंड बिल्ड ब्रिंग इन योर बैक फुट फर्स्ट एंड देन फ्रंट फुट एंड ड्राइव द बॉल एंड देन ट्राई एंड मेक योर फ्रंट फुट मूव फर्स्ट, उसके बाद बैक फुट को जाने दीजिए। या टू जस्ट ट्राई एंड, यू नो, ब्रिंग इन ऑल दी स्टफ्स बिफोर यू फाइनलाइज एज टू व्हाट योर ट्रिगर मूवमेंट इज़। एक बार फिर से मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ट्रिगर मूवमेंट इज़ नॉट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ट्रिगर मूवमेंट बहुत ज़रूरी नहीं होता है। मैंने कमेंट्स में बहुत बार पढ़ा है, मैंने आपके बहुत सारे DMs पढ़े हैं, मैसेजेस पढ़े हैं, जिसमें आप लोग पूछते हैं कि, यू नो, ट्रिगर मूवमेंट कैसे करें, मेरा ट्रिगर मूवमेंट नहीं हो रहा है। समटाइम्स इट इज़ सो फनी दैट आई हैव टू रिप्लाई टू देम कि ट्रिगर मूवमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। बिना ट्रिगर मूवमेंट के भी आप बैटिंग कर सकते हैं। सो ट्रिगर मूवमेंट इज़ नॉट एक्सट्रीमली नेसेसरी कि आपको ट्रिगर मूवमेंट करना ही है तभी आपका बैटिंग होगा। बहुत बार क्या होता है कि गलत सजेशन मिल जाता है कुछ प्लेयर्स को, इसलिए वो सोचते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ट्रिगर मूवमेंट नहीं हुआ तो बैटिंग नहीं होगा। मोर देन एनीथिंग, एज अ बैट्समैन, यू शुड बी कंफर्टेबल वाइल यू आर बैटिंग। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ स्टाइल फॉर योर सेल्फ, जस्ट लेट इट कम नेचुरली आने दीजिए। जब वो नेचुरली बैटिंग में दिखता है, ओनली देन इट इज़ कॉल्ड कि हाँ, आपका वो स्टाइल है, ओनली देन इट इज़ कॉल्ड, ओनली देन यू आर एबल टू, यू नो, प्ले एट योर फुलेस्ट।
लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अडेप्ट करना चाहेंगे और इनकलकेट करना चाहेंगे ज़ोर ज़बरदस्ती से, दैट विल नॉट यू नो गिव यू अ लॉन्गर रिजल्ट, और या फिर आपके लंबे समय, आपके लंबे करियर में इट विल नॉट यू नो प्ले अ ह्यूज रोल. तो जस्ट मेक श्योर कि आपका नेचुरल जो स्टाइल हो उसी में खेले. अगर आप स्टेशनरी रह के खेलना चाहते हैं, अगर आप स्टेशनरी होके बैटिंग करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट इज़ योर नेचुरल स्टाइल, दैट शुड बी योर नेचुरल स्टाइल. बट इफ़ यू रियली फील कि आपको इनिशियल मूवमेंट चाहिए होता है रिदम के लिए, तो गो फॉर इट, देर इज़ नो हार्म इन इट. गो फॉर ट्रिगर मूवमेंट एज यू फील लाइक. इफ़ यू वॉन्ट टू मूव योर फ्रंट फुट फर्स्ट, डू दैट वे. इफ़ यू वॉन्ट टू मूव योर बैक फुट फर्स्ट, डू दैट वे. So whatever goes comfortable with you, just do it. One thing you have to make sure कि जब आप trigger movement कर रहे हो कि आपको अपने leg stick, middle stick और off stick का पता रहना चाहिए. Wherever जब भी आप खड़े हो रहे हो stance लेने के लिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि आपने कहाँ पे अपना stance लिया था, कौन से guard पे आप खड़े थे, कौन से leg stick या middle stick या off stick पे खड़े थे, एंड वे आप ट्रिगर मूवमेंट के बाद आप कहाँ खड़े हैं. तो अगर आप ट्रिगर मूवमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लेग स्टिक कहाँ पे है, मिडिल स्टिक कहाँ पे है, ऑफ स्टिक कहाँ पे है, और कहाँ पे आप खड़े हैं, और ट्रिगर मूवमेंट के बाद आपका बैट कहाँ आ जाता है, पैड कहाँ आ जाता है, और आपका फुट कहाँ पे लैंड करता है. यू शुड नो ऑल दिस यू नो बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस इन अ मैच. आप स्ट्रेट अवे प्लीज डोंट गो डायरेक्टली इन द मैच एंड स्टार्ट डूइंग ट्रिगर मूवमेंट्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैसेजेस जहाँ पे ये भी लिखा गया था कि यू नो ट्रिगर मूवमेंट, मैंने कुछ वीडियोस देख के मैंने ट्रिगर मूवमेंट स्टार्ट किया एंड आई एम स्कोरिंग जीरो इन ऑल द मैचेस. तो डोंट डू इट यू नो रैंडमली. आप पहले ट्रायल एंड एरर कीजिए अपने मैचेस, ट्रायल एंड एरर कीजिए अपने नेट्स में, अपने दोस्तों के साथ नॉकिंग करते समय. एंड नो एज टू वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर एग्जैक्टली योर स्टैंड इज, वेयर एग्जैक्टली यू गो व्हेन यू आर डूइंग द ट्रिगर मूवमेंट. आप कहाँ पे ट्रिगर मूवमेंट करने के बाद पहुँच जाते हैं, क्योंकि कभी कभी देखिए जैसे मैं लेग स्टिक पे खड़ा हूँ, अगर मैं लेग स्टिक पे खड़ा होने के बाद अगर ट्रिगर मूवमेंट करता हूँ तो आई पोटेंशियली नो रीच ऑन द मिडिल स्टिक. सो मैं मिडिल स्टिक पे यहाँ पे ट्रिगर मूवमेंट करता हूँ. अगर आप लेग स्टिक से ही खेलना चाहते हैं तो आप स्टैंस लेग स्टिक से ले सकते हैं और यहाँ पे फोर्थ स्टंप पे खड़े हो सकते हैं. लेग स्टिक पे स्टैंस ले लिए, लेग स्टिक पे गार्ड ले लिए और फोर्थ स्टंप पे आप खड़े हो गए, ताकि आप यू नो जब आप ट्रिगर मूवमेंट करें तो आप लेग स्टिक पे आ जाए और देन यू आर कंफर्टेबली यू नो एबल टू प्ले all the balls. So you know you can change according to your batting style. Just make sure ki jab aap batting kar rahe ho to know your guards, know your leg stick, middle stick and off stick and only then bat. Ek aur cheez main aapko suggest karunga ki agar aap trigger movement ko acche se apne game mein inculcate karna chahte hain, try and record your video or probably you can ask your coach to stand in front of you and do that trigger movement and let him analyze as to how you're moving, as to kitna aap move karte ho, kitna aap off stump se bahar ja rahe ho, ya fir all that technical aspect will be taken care of by the coach. So just make sure ki agar aap trigger movement ya fir kuch naya cheez inculcate karna cha rahe ho stance se related, just make sure ki aap apne coaches ke sath ye cheez practice kar rahe ho, apne coaches ke sath ye cheez share kar rahe ho, so that you know he also understands your game and so that he also can tell you as to where you are going wrong. So I hope aapko video acha laga hoga. Agar aapko video acha laga ho to please like kar de aur doston se share zarur kare. Tell me about yourself in the comments. I would love to know about your batting. Aapko ye video kaisa laga, do let me know in the comments. Aur apne doston se share zarur kare jo ki you know trigger movement के पीछे पागल हैं एंड देर क्रेजी अबाउट ट्रिगर मूवमेंट्स. एंड या मैंने एक और वीडियो बनाया था बैटिंग स्टैंड पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. मैंने उसमें बताया था कि आपका यू नो बैटिंग इनिशियल बैटिंग स्टैंड कैसे होना चाहिए ताकि आपका यू नो बैट फ्लो सही तरीके से आए. आईड एक्सप्लेन द इंटायर स्टैंड थिंग इन अ ग्रेट डिटेल. So go and watch that particular video. I'm pretty sure you'll learn a great deal from there. मैंने इसको लिंक कर दिया है आई बटन पे, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. एंड येस आई नो अ लॉट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द गिव अवे दैट इज गोइंग टू हैपन. आई एम गोइंग टू अनाउंस इट प्रीटी सून, प्रॉबेबली ऑन थर्सडे. सो या वेट फॉर इट. आई हैव ऑलरेडी अनाउंसड इट ऑन इंस्टाग्राम. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ऑन @SAFALFUTURE. So I'll see you in the next video. Till then, keep smiling and practice hard, because I believe that you, my dear friend, are a future legendary batsman.